हेलो एवरीवन, देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम वेलोसिटी। वेलोसिटी में देखो क्या चेंज आता है, स्पीड से कैसे ये डिफरेंट है। देखो स्पीड का जो फॉर्मूला था वो क्या था, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला था वो था डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। इसमें जो इसकी डेफिनेशन है वो क्या बन जाती है, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, और स्पीड में क्या थी, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। तो यहाँ पर क्या आ गई है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम, क्लियर। और जो इसके SI यूनिट होंगे ये वही होंगे मीटर पर सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर ही होता है और टाइम का सेकंड, तो मीटर पर सेकंड वही आ जाएगी कहानी। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, मीटर पर सेकंड या फिर मीटर पर सेकंड, और ये 1 है तो पावर ऊपर जाके -1, इस तरीके से भी, ठीक है। और ये कैसी क्वांटिटी है, वैक्टर क्वांटिटी है, यही इसमें डिफरेंस है मेन। वैक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड तो होगा एज वेल एज डायरेक्शन भी होगी। जैसे अगर आप कहेंगे वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड की टूवर्ड्स ईस्ट, इसका मतलब क्या है, 30 मीटर पर सेकंड टूवर्ड्स ईस्ट, मतलब ये क्या वेलोसिटी हुई है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन बताई है, क्लियर है। अब इसी तरीके से इसमें टाइप ऑफ वेलोसिटी आ जाएंगी, जैसे टाइप ऑफ स्पीड थी वैसी टाइप ऑफ वेलोसिटी है। देखो सबसे पहले क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, जैसे वहाँ यूनिफॉर्म स्पीड थी तो यहाँ यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, बस डिस्टेंस की जगह चेंज क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट वर्ड आ गया, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड का याद है तो वहाँ पर क्या था, एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ पर क्या है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हो गई यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि कांस्टेंट वेलोसिटी, जिसमें वेलोसिटी चेंज नहीं होती। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आ जाएगा, एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अगर नॉन यूनिफॉर्म स्पीड का याद है तो वहां पर क्या था, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन यहाँ वेलोसिटी है तो इस वजह से क्या आ जाएगा, वर्ड डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा डिस्टेंस की जगह, ठीक है। इसमें क्या होती है, वेलोसिटी वेरी करती है, कॉन्स्टेंट नहीं रहती, कहीं कम कहीं ज़्यादा रहती है, क्लियर। इसी तरीके से एवरेज वेलोसिटी की हम बात करेंगे, एवरेज वेलोसिटी में क्या हो जाएगा, देखो अगर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला याद है तो वहाँ पर क्या था, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, यहाँ क्या आ गया, डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम। इसलिए जो डेफिनेशन है वो ये, द रेशियो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट टू द टोटल टाइम, ये आ गई आपके पास एवरेज वेलोसिटी, रेशियो ये है टोटल डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम की, क्लियर। और अगर वेलोसिटी चेंज होती है यूनिफॉर्म रेट में, मतलब अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है कॉन्स्टेंटली, मतलब पहले 2 सेकंड में मान लो कितनी है, 2 मीटर पर सेकंड की है, अगले 2 में 4 मीटर पर सेकंड की है, फिर अगले में 6 मीटर पर सेकंड की है, फिर अगले 2 सेकंड में मान लो वो 8 मीटर पर सेकंड की है, फिर है वो 10 मीटर पर सेकंड की, इस तरीके से। तो मतलब क्या है, यूनिफॉर्म रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, मतलब क्या है कि 2 मीटर पर सेकंड यहाँ बढ़ रही है, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, फिर 2 मीटर पर सेकंड बढ़ रही है, ठीक है। तो उस केसेस में एवरेज वेलोसिटी का एक नया फॉर्मूला आ जाता है, वो क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये याद रहनी चाहिए आपके पास। 2 फॉर्मूले हो गए एवरेज वेलोसिटी के, एक तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम, लेकिन अगर कहीं इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दी हुई है तो एवरेज वेलोसिटी कैसे निकलेगी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस में फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2। कितनी बात क्लियर है या नहीं है बताओ, ठीक है। तो ये था आपके पास पूरा टॉपिक वेलोसिटी का, ठीक है। अब जो है डिफरेंस है हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी के, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, क्लियर। ओके जी, थैंक यू।